देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पंजाब किसान रैली में पीएम मोदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 1,00,000 किसानों से संवाद करने वाले हैं। किसान रैली के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी कमर कसने की तैयारी भी कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार अब सीधे आम जनता से जुड़ रही है। पीएम आज पंजाब के मरौट में किसान रैली को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर MSP को 1.5 गुना किया गया है, जिसको लेकर पीएम आज पंजाब सहित हरियाणा और राजस्थान के किसानों से सीधा संवाद करने वाले हैं। हालांकि किसानों को निशाना बनाकर कांग्रेस भी कई बार भाजपा को अपने आड़े हाथों ले चुकी है, जिसके चलते पिछले दिनों सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा भी खुलकर सामने आया है। ऐसे में पंजाब किसान रैली में पीएम किसानों को अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान पीएम के साथ अकाली दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी मंच पर होंगे। दरअसल सरकार ने किसानों को फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना दाम दिलाने के वादा दिया था, जिसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब कृषि उपजों के दाम गिरने से किसान परेशान हैं और आम चुनाव 1 साल के अंदर होने वाले हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधित समिति ने 14 खरीफ फसलों के MSP के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसमें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए से बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जबकि धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।